नमस्ते, हमारे YouTube चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं धर रहे इकड़े से बात कर रहा हूँ, नितेश जाधव। हमारे साथ में शिंदे सर भी है और हमारे साथ में सर भी है जो सर ने काफी बार हमें कॉल करके बुलाया है। और सर का बाजू में वाटर प्लांट है तो इसलिए इन्होंने कॉल किया, तो हम लोग अभी पहुंचे यहाँ पे। तो एक बड़ा सा कोबरा है और कोबरा ने जो है तो रैट स्नेक को निगलना शुरू कर दिया है, तो वो सब आपको दिखाएंगे। तो हमारे वीडियो के साथ बने रहे, आइए हमारे साथ। एक मला गोनी द्या ना, गोनी आण। दीपक दीपक ए गोनी आणतली तिथून, दोस्तों आप देख सकते हैं एक बड़े से कोबरा ने एक रैट स्नेक को निगलना शुरू कर दिया है। और अभी भी रैट स्नेक जिंदा है, मरा भी नहीं है, लेकिन वो छोड़ नहीं रहा उसे। आप देख सकते हैं ये रैट स्नेक है जो अभी जिंदा है, लेकिन यहाँ से जो है तो कोबरा ने उसको निगलना शुरू कर दिया। तिकडे शेपूट आहे त्याची, शेपूट दबन त्या दगडाच्या पुढे शेपूट इकडे इकडे इकडून धरा। अरे बाप रे, ओ तुम्हारे पास मोठा ते थोडा मोठा आहे तो बरा आहे तुमच्या पायाजवळ आहे। अरे हा अरे थोडे बरं का शेपूट ए भाई, दामी सडकले पा, दामीला धरलं का? अरे यार तुला मार पर ना घेते ना ओरिजिनल। दोस्तों हम लोगों ने जो रैट स्नेक है इसको भी उसने काट लिया है। नहीं मरना क्या था ना मोटा ये काफी जहरीला सांप होता है दोस्तों। ये अगर काट ले कोई भी इंसान को तो एक घंटे के अंदर अंदर मौत हो सकती है। अगर वो हॉस्पिटल पहुंचता है बहुत जल्दी तो बच भी सकता है, अगर नहीं जाता है कुछ झाड़ फूस के चक्कर में जाता है तो वो मर भी सकता है। इसलिए झाड़ फूस के चक्कर में ना पड़े और कभी भी जो है तो हॉस्पिटल की ओर जल्द से जल्द अपना छोटी बरनी वगैरह दीपक गोनिया गोनिया दीपक आल ना कोणी अरे ती धामीन धरली आप देख सकते हैं इसे कितनी बुरी तरह से उस कोबरा ने उसको काट लिया है और वो भी निगलता मतलब निगल रहा था या भयानक जख्मी हुआ है रैट स्नेक। अब इसके ऊपर हम लोगों को भी ट्रीटमेंट करना पड़ेगा और उसको छोड़ना पड़ेगा। हम लोगों ने रैट स्नेक को भी रेस्क्यू किया और कोबरा को भी रेस्क्यू किया और दोनों को अभी गौताड़ा अभयारण्य में छोड़ देंगे हम लोग। तो इन्हों टॉक्सिक ना रिलीज कर दिया है बड़े से जंगल में। आप फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, ये जो फॉरेस्ट जंगल है आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा है, तो यहाँ पे काफ़ी जानवर भी है
मोर भी है और उसके बाद में नील गाय भी है, हरिन भी है और बहुत सारे काफ़ी सारे पाइथन को भी हम लोगों ने इधर ही अलग अलग जगह पे यहाँ पे रिलीज़ कर दिया है। और कोई भी स्नेक कोई भी जानवर होता है तो हम लोग इधर फॉरेस्ट में हम लोग उसको रिलीज़ कर देते हैं। और दोस्तों कोई भी जानवर को मारने उसको जितना हो सके उतना बचाने की कोशिश करें, क्योंकि हम लोग हर प्राणी हर पक्षी हर स्नेक को हम लोग बचाते हैं। दोस्तों यदि हमारा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अगर आपको कोई परेशानी है या फिर कुछ स्नेक का प्रॉब्लम है या फिर कुछ परिंदों का प्रॉब्लम है या फिर कुछ जानवरों का प्रॉब्लम है तो हम लोगों को आप कॉल करके बुला सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूले, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक मिलती रहे। दोस्तों जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भारत। थैंक यू।